जेम्स हॉस्पिटल में लगातार टीकाकरण का काम शुरू हो चुका है। मेरे साथ डॉक्टर हैं, इनसे मैं बात करता हूँ जिन्होंने दूसरे नंबर पर टीकाकरण करवाया। सर क्या नाम है? मेरा नाम आशीष खंडूड़ी है, मैं यहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और आज मेरे पे कोविड का टीका लगा है। आज पहली डोज लगी है और 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी और मैं सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि इसके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज सबसे निवेदन किया है कि कोई घबराए नहीं, स्वदेशी जो ये टीका बना हुआ है इसे इसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और सब लोग आसानी से सबको ये 3 चरणों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा और ये सब लोग आराम से लगवाएं इसे। डॉक्टर साहब की भी अपील है कि सभी लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, टीकाकरण करवाएं क्योंकि इससे हम और आप भी बचेंगे बल्कि हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। अंशुमन यादव, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, ग्रेटर नोएडा। जेम्स हॉस्पिटल में लगातार टीकाकरण का काम शुरू हो चुका है। मेरे साथ डॉक्टर हैं, इनसे मैं बात करता हूँ जिन्होंने दूसरे नंबर पर टीकाकरण करवाया। सर क्या नाम है? मेरा नाम आशीष खंडूड़ी है, मैं यहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और आज मेरे पे कोविड का टीका लगा है। आज पहली डोज लगी है और 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी और मैं सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि इसके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज सबसे निवेदन किया है कि कोई घबराए नहीं, स्वदेशी जो ये टीका बना हुआ है इसे इसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और सब लोग आसानी से सबको ये 3 चरणों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा और ये सब लोग आराम से लगवाएं इसे। डॉक्टर साहब की भी अपील है कि सभी लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, टीकाकरण करवाएं क्योंकि इससे हम और आप ही बचेंगे बल्कि हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। अंशुमन यादव, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, ग्रेटर नोएडा।